हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड वी आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं अपर लिम के जॉइंट्स और किताब का नाम है बीडी चौरासिया, और आज जो जॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एल्बो जॉइंट। जॉइंट में मैं हमेशा बताता हूं कि द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग टू रिमेंबर कि जॉइंट किन किन बोन्स के दरमियान बनेगा। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी जॉइंट किन बोन्स की पार्टिसिपेशन से बनता है। सो एल्बो जॉइंट जो है उसकी लोकेशन क्या है। सपोज किसी का आर्म है और ये उसका फोरआर्म है बंदे का, और यहां मैं एक अजीब सा हाथ बना देता हूं। सो ये वाली जो जगह है जिसको हम कोहनी भी कहते हैं, दिस इज द एल्बो जॉइंट, जहां पे आर्म और फोरआर्म आपस में एक जॉइंट बना रहे हैं, और इसमें तीन बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं। ऊपर से जो बोन पार्टिसिपेट करती है दैट इज द ह्यूमरस, नीचे दो बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं, लेटरल साइड पे जो बोन पार्टिसिपेट करती है उसका नाम है रेडियस, और मीडियल साइड पे जो बोन पार्टिसिपेट करती है उसका नाम है अल्ना। तो ये तीन बोन्स मिलकर बनाती है एल्बो जॉइंट। अब ये जो एल्बो जॉइंट बन रहा है इस पूरे को हम कहते हैं तो एल्बो जॉइंट है, लेकिन कुछ और टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो टर्म्स ये हैं कि देखो इस एल्बो जॉइंट में एक जॉइंट का पोर्शन वो है जिसमें ह्यूमरस जॉइंट बनाएगा रेडियस के साथ, तो इसको हम नाम देते हैं ह्यूमरो रेडियल जॉइंट या ह्यूमरो रेडियल जंक्शन। फिर एक जंक्शन वो है जिसमें ह्यूमरस जॉइंट बनाएगा अल्ना के साथ, तो इसको हम नाम देंगे ह्यूमरो अल्नर जंक्शन, ह्यूमरो ह्यूमरस से और अल्नर अल्ना से। अच्छा, फिर ये एक और भी वर्ड हम कभी कभी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एल्बो कॉम्प्लेक्स। उसमें ये होता है कि सी आपको मैंने पहले भी जब ऑस्टियोलॉजी पढ़ा रहा था तो ये बात बताई थी कि रेडियस और अल्ना ऊपर एक जॉइंट बनाते हैं आपस में, और रेडियस और अल्ना नीचे भी एक जॉइंट बनाते हैं आपस में। ऊपर वाले जॉइंट को हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और नीचे वाले जॉइंट को हमने नाम दिया था इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो बता मैं ये रहा हूं कि एल्बो जॉइंट में एक तो ये जंक्शन मौजूद है जिसको ह्यूमरो रेडियल जंक्शन कहते हैं, एक ये जंक्शन मौजूद है जिसे कहते हैं ह्यूमरो अल्नर जंक्शन। अच्छा, अगर मैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को भी इसमें कंबाइन कर दूं तो इनको सबको मिला के फिर नाम दिया जाता है एल्बो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई है एल्बो जॉइंट की। एल्बो जॉइंट इज अ हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट। हिंज इसलिए क्योंकि इसमें एक प्लेन में मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल है। ये किसी का आर्म और फोरआर्म जो बनाया है ये यूं करेगा तो फ्लेक्शन, और ये यूं करेगा तो एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो इसे हम हिंज वैरायटी कहते हैं। है ये सिनोवियल जॉइंट क्योंकि इसमें सिनोवियल कैविटी होगी, सिनोवियल मेम्ब्रेन होगी, सिनोवियल फ्लूइड होगा इजी मूवमेंट के लिए। किन किन बोन्स के दरमियान बनता है? लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ये बात मैंने अभी आपको समझाई, एंड अपर एंड्स ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के अपर एंड्स, ठीक है। एल्बो जॉइंट इज द टर्म यूज फॉर ह्यूमरो रेडियल, ये टर्म मैं समझा चुका हूं, ह्यूमरो और रेडियल के दरमियान, ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान ह्यूमरो रेडियल, और ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान ह्यूमरो अल्नर। तो ये दो इसके जॉइंट्स के जंक्शंस हैं, और अगर साथ में मैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी मिला लूं तो इस पूरे को कहते हैं एल्बो कॉम्प्लेक्स। तो ये टर्म सबकी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं आर्टिकुलर सर्फेसिस। जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या क्या हैं? ऑस्टियोलॉजी अगर आपने ढंग से पढ़ी हुई है, मैंने अपर लिम की पूरी ऑस्टियोलॉजी पढ़ाई है, यहां लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। ह्यूमरस का जो लोअर एंड है उस लोअर एंड में कुछ बोनी प्रोजेक्शंस और कुछ बोनी लैंडमार्क्स थे। एक तो मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल थे, फिर लेटरल साइड पे एक बोनी लैंडमार्क था और मीडियल साइड पे एक बोनी लैंडमार्क था। आपको वो बोनी लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। वो बोनी लैंडमार्क्स क्या थे? वो बोनी लैंडमार्क्स जो लेटरल साइड पे था उसका नाम था कैपिटलम, और जो मीडियल साइड पे था उसका नाम था ट्रॉक्लियम। So this is the capitulum and this is the trochlea. अब होगा ये कि नीचे कौन सी bones है? Lateral side पे radius है, तो capitulum joint बनाएगा radius के साथ और trochlea joint बनाएगा ulna के साथ। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जनाब ह्यूमरो रेडियल जो पार्ट है वो किन किन पार्ट्स के दरमियान बन रहा है, वो बन रहा है कैपिटलम और रेडियस के जंक्शन से। और अगर आपसे ये पूछूं कि ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो है वो किन किन पार्ट से बन रहा है, तो वो ट्रॉक्लिया और अल्नर के दरमियान बन रहा है, ठीक है। सो अपर पार्ट में ये जो दो बोनी कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमरस के, उनके नाम है कैपिटलम और ट्रॉक्लिया। कैपिटलम किस साइड पे होता है? रेडियल साइड पे। ट्रॉक्लिया किस साइड पे होता है? मीडियल साइड पे, ठीक है। और ट्रॉक्लिया के बिल्कुल ऊपर एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। इसमें फिक्स होता है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना जब कंप्लीट फ्लेक्शन होती है। ये सारी बात ऑस्टियोलॉजी में भी पढ़ाई थी। अच्छा, लोअर पार्ट पे इस जॉइंट के, एल्बो जॉइंट के लोअर पार्ट पे क्या क्या चीजें आर्टिकुलेट करती हैं? हेड ऑफ द रेडियस, ये मैंने आपको यहां बताया कि हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट करता है कैपिटलम के साथ, और कैपिटलम के बाद मीडियल साइड पे क्या आर्टिकुलेशन होगी? ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट करेगा अल्ना के साथ। सो ट्रॉक्लिया और कैपिटलम, ठीक है। एल्बो जॉइंट इज कंटिन्यूस विद द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जिसको हमने कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था। द ह्यूमरो रेडियल, द ह्यूमरो अल्नर एंड द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स आर ऑल टुगेदर नोन एज क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। तो अब यहां आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पता चल रही है। इसको आप क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, इसको आप एल्बो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो रिमेंबर दीज टर्म्स, ओके। तो आर्टिकुलेशन सर्फेसिस के बाद अगला जो टॉपिक हम जॉइंट्स में हमेशा डिस्कस करते हैं वो है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स
इसमें आपको पहले तो ये पता हो कि जी कैप्सूल कहाँ अटैच होता है, और क्योंकि कैप्सूल के आसपास भी लिगामेंट्स होते हैं, और फिर कुछ एक्स्ट्रा कैप्सुलर या अदर देन कैप्सूल लिगामेंट्स होते हैं। सो कैप्सुलर लिगामेंट एल्बो ज्वाइंट का सुपीरियरली कहाँ अटैच होता है, टू द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस इन सच अ वे दैट द कैपिटलम एंड ट्रॉक्लिया एंड द रेडियल फोसा एंड द कोरोनॉइड फोसा एंड द ओलिक्रोनन फोसा आर ऑल इंट्रा कैप्सुलर। यानी अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के शो करूं, ये ह्यूमरस है, ये उसका लोअर एंड है जिसमें मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल हैं, तो यहाँ पे लेटरल साइड पे कैपिटलम होगा जो रेडियस के साथ जॉइंट बनाएगा, यहाँ पे ट्रॉक्लिया होगा जो अल्ना के साथ जॉइंट बनाएगा, इन दोनों के ऊपर फोसा है, यहाँ पे एक फोसा होगा और जिसमें अल्ना का पार्ट फिक्स होना है, और यहाँ पे रेडियल फोसा होगा जिसमें रेडियस का हेड फिक्स होगा। तो जो कैप्सूल है वो इनको इनको कवर करता है, तो कैप्सूल इसके ऊपर कहीं लगेगा ताकि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंट्रा कैप्सुलर हो जाएं, ठीक है। फिर इसकी ये फर्दर डिटेल्स हैं, दीज आर नॉट वेरी हाई यील्ड, लेकिन आपको बहरहाल पढ़ लेते हैं कि इन्फीरोमीडियली इट इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द ट्रॉक्लिया नॉच ऑफ द अल्ना एक्सेप्ट लेटरली इन्फीरोलेटरली इट इज अटैच टू। अब ये कॉमन सेंस की बात है, देखो हम कैप्सूल के अटैचमेंट पढ़ रहे हैं ना, सुपीरियरली ये यहां अटैच हो गया लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में। अब रेडियल साइड पे या लेटरल साइड पे कौन सी बोन है, रेडियस, और मीडियल साइड पे कौन सी बोन है, अल्ना, तो जाहिर है इन्फीरोलेटरली ये रेडियस पे अटैच होगा कैप्सूल, और इन्फीरोमीडियली ये अल्ना पे अटैच होगा कैप्सूल, ठीक है। तो ये कैप्सूल इस तरह से सराउंड करेगा पूरे एल्बो ज्वाइंट को, तो ये बात समझना इतना मुश्किल नहीं है। देन देयर आर एंटीरियर लिगामेंट्स एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स व्हिच आर थिकनिंग ऑफ द कैप्सूल, ताकि ज्वाइंट को स्ट्रेंथन कर सकें, फर्दर मजबूत कर सकें। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर ये यहां पे देखें डायग्राम फिर फर्दर बताई हुई है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि से फॉर एग्जांपल, अब मुझे बताओ ये वाला साइड कौन सा साइड होगा, रेडियस यहां पे मौजूद है, रेडियस का हेड मौजूद है, तो दिस इज द लेटरल साइड एंड दिस इज द मीडियल साइड, ठीक है। तो ये है चूंकि रेडियस, तो ये वाला पार्ट होगा कैपिटलम, ऐसे ही है ना, तो ये कैपिटलम के साथ ज्वाइन होगा, और ये है चूंकि अल्ना, तो ये वाला पार्ट होगा ट्रॉक्लिया। तो ये हो गया जी ह्यूमेरो रेडियल ज्वाइंट, और ये हो गया ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट, और ये है कैप्सूल की अटैचमेंट, इस तरह कैप्सूल अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर ये लिगामेंट आपको याद रखना है जिसका नाम है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, इट्स अ ट्रायंगुलर लिगामेंट, इट्स ट्रायंगुलर इन शेप, और ये मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूं। सो दिस इज बेसिकली द लिगामेंट जिसके डिफरेंट बैंड्स हैं, एक पोस्टीरियर बैंड है, एक एंटीरियर बैंड है, एंड देयर इज एन ऑब्लीक बैंड, तो ये पूरा एक ट्रायंगल इस तरह से बन जाता है, और नाम इसका है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो जाहिर है ये मीडियल साइड पे होगा, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो ज्वाइंट, इट इज ऑब्वियसली बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना, ये वाली जो बोन है ये अल्ना है, और ये वाली बोन है मीडियल साइड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, बेसिकली द मीडियल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल से ही लिगामेंट निकलता है और नीचे जाके अल्ना पे अटैच होता है टू प्रोवाइड थिकनेस, ठीक है। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, द लिगामेंट इज क्रॉस्ड बाय द अल्नर नर्व। कभी आपने ये फील किया है कि आपके एल्बो ज्वाइंट के मीडियल साइड पे अचानक से अगर कोई दीवार लग जाए या कोई चीज लग जाए तो एक करंट सा लगता है, एक झटका सा लगता है, रीजन उसका ये है कि यहाँ पे अल्नर नर्व मौजूद होती है, ठीक है। तो ये लिगामेंट आपको याद रखना है जनाब, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड पे था, इसी तरह लेटरल साइड पे भी एक लिगामेंट होगा, उस लिगामेंट का नाम होगा लेटरल कोलेटरल या रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, विच इज अ फैन शेप्ड, और ये लेटरल एपिकोंडाइल से निकलेगा। सो एनाटॉमी, अगर आपने जनरल एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी हुई है ना, देखो ये ह्यूमरस है ऊपर बोन, ये उसका लेटरल एपिकोंडाइल है, और ये है हेड ऑफ द रेडियस, तो ये वाला जो फैन शेप्ड पूरा लिगामेंट है ये लिगामेंट कहलाता है रेडियल या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो अगर मैं पूरी बात मिला के करूं तो बात क्या है, बात यह है कि ऊपर से ह्यूमरस है, नीचे लेटरल साइड पे रेडियस है और अल्ना है, तो ये सब मिलके बनाते हैं एल्बो ज्वाइंट। यहाँ पे कैपिटलम ज्वाइन हो रहा है रेडियस के साथ, तो इसका नाम है ह्यूमेरो रेडियल जंक्शन। यहाँ पे ट्रॉक्लिया ज्वाइन हो रहा है अल्ना के साथ, तो इसका नाम है ह्यूमेरो अल्नर जंक्शन। और अगर मैं सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट को भी मिला लूं तो ये पूरा कहलाएगा एल्बो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी तरह कैप्सूल अटैच होगा, मीडियल साइड पे अटैच होगा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल साइड पे अटैच होगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक होगी बात। अब आइए जी रिलेशंस आपने याद करने हैं बॉस, मैं जब कंपार्टमेंट्स पढ़ाऊंगा ना, आर्म फोर आर्म, तो फिर ये मजीद क्लियर होगी चीज, लेकिन इस वक्त के लिए इसको पार्क कर लो और रटा लगा के रखो कि एंटीरियर साइड पे क्या क्या चीजें हैं, पोस्टीरियर साइड पे, मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे, ये चारों रिलेशन पता होना चाहिए। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की कहानी आपको पता है कि अगर कोई ज्वाइंट है, मैं यहां पे हम एल्बो ज्वाइंट पढ़ रहे हैं, एल्बो ज्वाइंट के इर्द गिर्द से जो भी ब्लड वेसल और नर्व्स गुजर रही होंगी वो यहां पे जाते जाते एक ब्रांच देंगी, ठीक है। तो यहां पे पूरा एक एनास्टोमोसिस
एक्सरसाइज होता है एल्बो ज्वाइंट के लिए, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में जब ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे आर्म और फोर आर्म की। इसी तरह नर्व सप्लाई जब पढ़ेंगे तब ये सारी नर्व समझाऊंगा। अभी पार्क इट इन योर हेड कि जी अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, सारी ही नर्व जो यहां से गुजरती हैं वो ब्रांच देती हैं एल्बो ज्वाइंट को। एल्बो ज्वाइंट पर मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं बॉस? फ्लेक्शन की मूवमेंट होती है और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन की मूवमेंट कौन कौन से मसल्स करवाते हैं? ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोरेडियालिस। देखो ये इस तरह से है कि ये जो भी मूवमेंट्स हैं, ये अगर बोन है ह्यूमरस और ये फिर बोन्स हैं रेडियो और अल्ना, तो बाइसेप्स इस तरह से अटैच होता है ना, दिस इज ऑल द बाइसेप्स, डंबल शंबल बनाते हो ना डोले शोले उठा के, तो बाइसेप जब कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो बोन है रेडियो अल्ना ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ बाइसेप्स और फ्लेक्शन कहते हैं इसको हम। यही मूवमेंट इसी तरह ब्रेकियालिस करवाता है और ब्रेकियोरेडियालिस करवाता है बिकॉज दे आर अटैच अक्रॉस द एल्बो ज्वाइंट। तो यहां वो रेडियस या अल्ना पे कहीं ना कहीं अटैच होते हैं और जब कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस बोन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं यानी फ्लेक्शन। और इसकी ऑपोजिट जो मूवमेंट होगी जो कहलाएगी एक्सटेंशन, वो बैक साइड के मसल्स होंगे और बैक साइड पे कौन सा मसल होता है? ट्राइसेप। सो ट्राइसेप जब कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बोन वापिस आएगी, यानी अगर ये किसी का ह्यूमरस है और यहां पे रेडियो अल्ना है तो ये वाली मूवमेंट जो डंबल्स उठाने वाली मूवमेंट है ये फ्लेक्शन है और वापिस हाथ यूं रखने वाली मूवमेंट एक्सटेंशन है। So, flexion करवाएंगे ये तीन muscles और extension का जो major muscle है उसका नाम है triceps, ठीक है? So, tricep का major काम है extension करवाना, triceps और also एक छोटा muscle है acornius। अब एक important concept है upper limb की anatomy में जिसको हम कहते हैं carrying angle। carrying angle का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको आपको diagram में समझाऊं तो बात ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। लुक हियर, देखें ये हमारा आर्म है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द आर्म एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द फोर आर्म, और ये फोर आर्म है ज़ाहिर है, और यहां पे ये है एल्बो ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट से होता ये है कि आर्म और फोर आर्म जो है वो एक एक लाइन में नहीं है। ये देखें यहां पे एक एंगल बन रहा है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो 10-15 डिग्री का एंगल बनता है मेल में, और इसी तरह फीमेल्स में भी ये एक एंगल बनता है तकरीबन मोर देन 50 डिग्री का, 30 डिग्री तक भी ये जा सकता है। सो ये जो एंगल बन रहा है इट्स नॉट इन अ सेम लाइन, ऐसा नहीं है कि आर्म और फोर आर्म एक ही लाइन में, ऐसा नहीं है। आर्म है और फिर एक एंगल बना हुआ है फोर आर्म का, इस एंगल को हम नाम देते हैं कैरिंग एंगल। अच्छा, कैरिंग एंगल इंपॉर्टेंट है मूवमेंट्स के लिए, इसका पर्पस नेचर ने इसलिए हमें ऐसा डिजाइन किया है ताकि हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंट वे में हो सके। सो कैरिंग एंगल इज ऑलवेज देयर एंड मेल्स में इसकी वैल्यू 10 से 15 डिग्री होती है, फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है? और इसका इसी एंगल को मेंटेन करने के लिए फिर हमारी जो बोन्स हैं उसके स्ट्रक्चर उसी हिसाब से हैं, जो स्टाइलॉइड प्रोसेसेस हैं रेडियस के अल्ना के वो उसी तरह शेप हुए हैं, राइट? डाइसेक्शन में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वी आर नॉट कवरिंग डाइसेक्शन एट द मोमेंट, लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी हम जरूर डिस्कस करते हैं हमेशा, आज भी करेंगे। डिस्टेंशन ऑफ द एल्बो ज्वाइंट बाय इफ्यूजन अकर्स पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर साइड ऑफ द एल्बो ज्वाइंट इज अ वीक पॉइंट। जब आपको शोल्डर ज्वाइंट पढ़ा रहा था तब ये बात मैंने आपको बताई थी कि शोल्डर ज्वाइंट का इंफीरियर पार्ट वीक पॉइंट होता है, लेकिन एल्बो ज्वाइंट का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो वीक पॉइंट है बिकॉज वहां पे कैप्सूल काफी वीक होता है और डीप फेशिया थिन होता है, ठीक है? तो होता ये है कि वहां कभी इफ्यूजन अगर हो जाती है तो उसे हम नाम देते हैं डिस्टेंशन, और फिर ये एस्पिरेट करके निकाल ली जाती है सिरिंज के जरिए। एक डायग्राम में इन्होंने यहां दिखाया भी है, वो आपको दिखाता हूं, समथिंग लाइक दिस एस्पिरेटिंग द एल्बो ज्वाइंट, ठीक है? राइट, अदर क्लिनिकल सिनेरियो जो ये सारी क्लिनिकल बातें इन्होंने इंपॉर्टेंट लिखी हैं, डिसलोकेशन ऑफ द ज्वाइंट इज ऑल्सो रूटीनली इन द पोस्टीरियर साइड, ठीक है? और इट इज एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। नाउ सबलेक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस विच इज कॉल्ड द पुल्ड एल्बो। अगर बच्चे को, छोटा सा बच्चा खड़ा है और आप उसके हाथ पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, अक्सर खेलने में करते हैं ना कि माँ यहाँ खड़ी हुई है और वो बच्चे के हाथ यूं पुल कर रही है, बच्चा बेचारा उसके यहाँ से जो है ना सबलेक्सेशन हो जाती है। सो रेडियस का हेड जो है वो अपने सॉकेट में से निकल आता है और रेडियस स्लिप भी इसको हम कहते हैं, एनुलर लिगामेंट से रेडियस बाहर आ जाती है। जब मैं आपको ऑस्टियोलॉजी पढ़ा रहा था तब ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, उस वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा। टेनिस एल्बो, अब ये दो इंपॉर्टेंट नाम है जनाब, एक है टेनिस एल्बो, आपको ये पता होना चाहिए कि टेनिस एल्बो लेटरल साइड पे होता है एल्बो के या मीडियल साइड पे होता है, ठीक है? आइए देखते हैं, टेनिस एल्बो अकर्स इन टेनिस प्लेयर्स, नो डाउट, इसीलिए इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं।
एब्रप्ट प्रोनेशन विथ फुली एक्सटेंडेड एल्बो मे लीड टू पेन एंड टेंडरनेस ओवर द लेटरल एपिकोर्डल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट ऑफ द टेनिस एल्बो. ये एग्जाम में अक्सर 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 पूछते हैं गोल्फर्स एल्बो और टेनिस एल्बो में डिफरेंस. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोल्फर्स एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो इज ऑन द मीडियल साइड, इट्स अ ट्रॉमा ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो, जबकि जो टेनिस एल्बो है इट इज प्रॉब्लम इन द लेटरल एपिकोंडाइल. ठीक है, तो इसमें स्प्रेन होता है, टेयरिंग ऑफ द फाइबर्स ऑफ द मसल्स होते हैं, कैप्सुलर फाइबर टेयर हो सकता है. सो टेनिस एल्बो इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन टेनिस प्लेयर्स. उसकी वजह ये है कि पूरा आर्म एक्सटेंड करके जोर जोर के शॉट लगाते हैं, तो रैपिड प्रोनेशन की मूवमेंट होती है फुल एक्सटेंडेड आर्म में. सो लेटरल एपिकोंडाइल पे जो डीप फेशिया की कवरिंग है और जो कैप्सुलर कवरिंग है वो लिगामेंट्स वगैरह रप्चर होते हैं. ठीक है, गोल्फर एल्बो है इसका ऑपोजिट, उसमें मीडियल एपिकोंडाइल. तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है बॉस टेनिस में और गोल्फर में. फिर एक पोजिशन है उसे कहते हैं स्टूडेंट्स एल्बो. स्टूडेंट्स एल्बो का मतलब ये होता है, अक्सर आप लोग भी क्लासेस लेते हैं जब कॉलेज में बैठ के, तो दोनों एल्बो डेस्क पे रख के और अपना फेस जो है वो अपने पाम से सपोर्ट करते हैं. इस पोजीशन में होता ये है कि जो बर्सा है एल्बो पे पोस्टीरियर साइड पे वो इन्फ्लेम हो जाता है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से बैक साइड ऑफ द एल्बो स्वेल भी हो जाता है और उसमें दर्द भी होता है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इस तरह जब आप बैठते हैं ना अपना ये एल्बो टेबल पे रख के और अपने हाथों में अपना चेहरा पकड़ के, तो दैट इज लीडिंग कॉज ऑफ स्टूडेंट्स एल्बो. ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, टेनिस एल्बो लेटरल साइड, गोल्फर एल्बो मीडियल साइड एंड स्टूडेंट एल्बो पोस्टीरियर साइड ऑफ द एल्बो में प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है बॉस. अच्छा जी, और क्या चीज रह गई जनाब, और इसमें कोई ऐसा सच बात नहीं रह गई. दिस इज ऑल बेसिकली, यहाँ पे दोबारा ये कैरिंग एंगल का जिक्र कर रहे हैं, दैट्स फाइन. दो टर्म्स इन्होंने यूज की हैं जो पूछते हैं अक्सर एग्जाम में. मेडिसिन में ना डिक्शन भरा हुआ है, मुश्किल मुश्किल टर्म्स भरे हुए हैं. अगर कैरिंग एंगल ज्यादा हो जाए, इज मोर देन द यूजुअल, इट इज कॉल्ड क्यूबाइडस वैल्गस. और अगर कैरिंग एंगल कम हो किसी में तो उसे कहते हैं क्यूबाइडस वैरस. इन दोनों ही में क्यूबाइडस वैरस हो या क्यूबाइडस वैल्गस हो, देखें ये नॉर्मल कैरिंग एंगल है. अगर कैरिंग एंगल बढ़ जाता है किसी वजह से, सो दैट इज नोन एज वैल्गस. कम हो जाता है तो दैट इज नोन एज वैरस. ठीक है, अब दोनों ही में मूवमेंट अफेक्ट होंगी बेसिकली. तो ये वैल्गस और वैरस क्यूबाइटस नाम याद रखने हैं. एंड दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट एल्बो ज्वाइंट. एल्बो ज्वाइंट की बोन्स पता होनी चाहिए कि ह्यूमरस मिल रही होती है रेडियस और अल्ना के साथ, और अगर इसमें सुपीरियर रेडियल अल्ना ज्वाइंट मिला दें तो ये पूरा कहलाता है एल्बो कॉम्प्लेक्स. इसमें मूवमेंट होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. इसमें कैप्सुलर लिगामेंट्स के अलावा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. सो दिस इज ऑल अबाउट एल्बो ज्वाइंट. आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा एंड जुड़े रहिए डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के साथ.